हेलो दोस्तों, क्रिकेट फ्रेंड्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल शाम 7:30 बजे से भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया। इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। जवाब में भारत की टीम खेलने उतरी। भारत के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने शानदार शुरुआत भारत को दिलाई और पहले विकेट के लिए 139 रन जोड़े, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 57 रन बनाए और वह उसके बाद होल्डर की गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं और वह 27 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। आपको बता दें कि भारत की ओर से विराट कोहली यह अपना 500वां टेस्ट खेल रहे हैं और ऐसा करने वाले वह भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले सचिन ने भारत के लिए 500 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। इसी के साथ विराट कोहली ने सचिन की बराबरी कर ली है, क्योंकि सचिन ने भी 500 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले थे और विराट कोहली भी आज अपना 500वां टेस्ट खेल रहे हैं। और आपको बताते चले, अभी तक भारत का कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो अपने 500वें मैच में अर्धशतक बना पाया हो। विराट कोहली ने यह अर्धशतक बनाकर 500वें टेस्ट मैच में यह नया रिकॉर्ड कायम किया है। अभी विराट कोहली के साथ क्रीज पर टिके हुए हैं रविंद्र जडेजा, जो कि 36 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। वहीं विराट कोहली 87 रन पर नाबाद हैं। क्रिकेट से जुड़ी सभी तरह की जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।